भाई लोग, आज मैं आप लोगों को लेवल 60 तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जा सकता है उसका एक आसान सा तरीका बताऊंगा। आशा है आप लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे। देखिए, मैं इसी हफ्ते के अंदर लेवल 60 पहुंचा हूं। पर कैसे, आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, जब कोई आपको अटैक करे तो सिर्फ लीडर को शेल्टर कीजिए। अगर आप एक्टिव है तो अपना बैटल फ्यूरी ऑन मत कीजिए, किसी को स्काउट मत कीजिए, और लीडर के साथ हो सके तो लीडर के साथ अपना पूरा ट्रूप छोड़ दीजिए डिफेंड के लिए, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो आपको 15 इन्फर्मरीज बिल्ड करना होगा, और जब 15 इन्फर्मरीज बिल्ड हो जाए तो उनको आपके कैस्टल लेवल तक अपग्रेड करना है। कम से कम आपने कैस्टल लेवल तक सोच लीजिए, 17, 18, 19 जितना हो आपका कैस्टल लेवल तक अपग्रेड कीजिए, और आपका ट्रूप हीलिंग कैपेसिटी कम से कम 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप जल्द से जल्द लेवल 60 पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उल्लू बैठे हुए हैं। असल में वो लोग बच्चे लोग हैं जो कि पैसा खर्चा करके टायर फोर ट्रूप अनलॉक तो कर लेते हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, पगला जाते हैं बच्चे लोग। लेकिन भाई लोग, हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने से कुछ उखड़ेगा नहीं हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा प्लेयर एक्सपीरियंसेस मिलता रहेगा। तो जब प्लेयर एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो आपको पूरा का पूरा ट्रूप्स डिफेंड के लिए छोड़ देना चाहिए, और डिफेंड करिए सिर्फ एक बार। देखिए, ये XX गिल्ड का कैंडी शॉप, इसको लॉलीपॉप चुसवाऊंगा मैं अभी। इसको कैंडी शॉप से लॉलीपॉप लाके इसको हम चुसवा देगा। अभी आप देखिए, इसका हम 42,306 ट्रूप्स मार दिया मैंने, और इसने क्या उखाड़ा मेरा। मैंने भाई आर्मी डिफेंस 20% बूस्ट कर दिया, और मेरा डिफेंस लेवल भी 8 है। बहुत जल्द आर्मी ऑफेंस डिफेंस ये सब मैं 9 क्रॉस कर जाऊंगा, 9 के लिए अपग्रेड कर रहा हूं। तो आर्मी डिफेंस ऑफेंस अपग्रेड करते रहिए, मिलिट्री रिसर्च जितना हो सके उतना हायर कीजिए, और इनसे डरिए मत भाई लोग। इनसे डर के जीने में कोई मज़ा नहीं है। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 375,000 ट्रूप से आपको अटैक कर सकता है, अगर आप एक बार डिफेंड करो, एक बार, सिर्फ एक बार, ओके, एक बार डिफेंड करो, और 600-700,000 मतलब 6-7 लाख ट्रूप छोड़ दो एक बार के लिए, तो आपका लीडर पकड़ा नहीं जाएगा भाई लोग। बाकी जितना आपका ट्रूप बचेगा वो लीडर के साथ अपना कैस्टल में फिर रिटर्न हो जाता है, फिर आप सील लगा लो। पर एक्टिव रहो, विदाउट एक्टिव आप एक्टिव ना रह के ये गेम नहीं खेल सकते भाई लोग, एक्टिव तो रहना पड़ेगा। अगर लॉर्ड्स मोबाइल में लेजेंडरी किंग बनना है तो आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये लोग आता है वाट लगाने के लिए, लेकिन जब आपके पास 15 इन्फर्मरीज का हीलिंग कैपेसिटी होगा तो वो हीलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, वो आपका ट्रूप मार नहीं पाएगा, चाहे वो आर्मी अटैक बूस्ट करके आए आपको मारने, चाहे वो 375,000 ट्रूप भेज दे आपको मारने के लिए, लेकिन वो आपका ट्रूप मार नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इन्फर्मरीज जो है उसका हीलिंग कैपेसिटी आपका सारा का सारा ट्रूप बचा लगा, पहला अटैक का सारा ट्रूप बच जाएगा। अगर आपका इन्फर्मरीज लेवल 25 हो गया तो आप दूसरा अटैक का भी जितना ट्रूप्स है वो हीलिंग में आप सेव कर सकता है। तो देखिए, इसका 42,306 ट्रूप मैंने मार दिया कैंडीशॉप, इसलिए मैं बोला कैंडीशॉप को मैं लॉलीपॉप चुसवा दूंगा। बेचारे ने 2.5 लाख ट्रूप से एक लेवल 59 पर अटैक कर दिया था भाई, तब मैं सच में लेवल 59 का ही था,
और इस उल्लू के उल्लूपंती के कारण मैं आज लेवल 60 में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्लेयर एक्सपीरियंस 25% बूस्ट यूज़ कर दिया था। चलिए भाई लोग एक बार बैटल व्यू भी देख लिया जाए। अब देख लो कैंडी शॉप का उस गिल्ड में, जिस गिल्ड में वो रहता है उसमें उसका किस तरीके का स्वागत किया गया। बेचारा एक्सएस गिल्ड में था क्योंकि वो मुझे अटैक किया। मैं एफआईएच का लीडर हूँ और ये मेरा थर्ड आईडी है। इन लोगों को मैं बता चुका हूँ भाई लोग, मेरे पास 11 आईडी है। अगर मैं चाहूँ तो खुद को इतना रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ कि तेरे टायर फोर्ट प्रूफ वाले जो प्लेयर है वो भी दुम दबा के भाग जाएंगे। लेकिन वो लोग मानते नहीं है, वो लोग सोचता है कि मैं हवा में फेंकता हूँ। भाई मैं तो अकेले डिफेंड कर सकता हूँ तो रीइंफोर्स क्यों करूँ? दूसरा आईडी को और पावरफुल बनाऊंगा ना। इसके पास लेवल 60 का रोज नाइट है भाई। आज मेरे पास भी लेवल 60 का रोज नाइट है। तो ये जिंदगी में कभी दोबारा मुझ पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इस बार मैं और थोड़ा ज्यादा टूट छोड़ूंगा इसके ऊपर। इसको एक्सएक्स गिल्ड से लात मार के निकाल दिया गया है। अभी ये आरबीए में है। आरबीए भी एफआईएस का दुश्मन ही है। अभी आप देख लो भाई, हो गया ना मैं लेवल 60 वाला। भाई हंटिंग इक्विपमेंट भी जरूरी है। और एक अटैक सहने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम 24 आवर्स का शील्ड लगा लो। दोबारा इतनी आसानी से डिफेंड मत करो। प्लेयर एक्सपीरियंस 25% बूस्ट कर दो, उसके बाद आपको जो भी मिलेगा एक्सपीरियंस उसका कम से कम 25% आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेवल 60 आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो भाई लोग याद रखो, डिफेंड करो, कभी कभी सक्सेसफुली डिफेंड भी करो। रोज रोज मार खा के अपना कैस्टल से आग निकाल के कोई फायदा नहीं है। कभी कभी खुद के कैस्टल से धुआं निकलना अच्छा दिखता है। हार गया ना, वाल तोड़ा फिर भी हार गया। मैंने तो इसको वाट लगा दी भाई, ये दोबारा अटैक नहीं करेगा। याद रखो भाई लोग, ये है अभी भी है कैंडी शॉप, नाम रखा हुआ है कैंडी शॉप, मतलब ये लोलीपॉप खाने वाला बच्चा ही है भाई। अभी तो नौगाट का जमाना है, अभी कौन लोलीपॉप में ध्यान देगा या कैंडी शॉप में जाएगा। तो भाई लोग आप याद रखो कि वाल में इन सब को रखना बहुत जरूरी है। अगर आप फुल फोर्स के साथ डिफेंड कर रहे हो तो याद रखो
वॉल कीपर के तरीके में जो चेंज लाना है, तो वॉल कीपर के कुछ फायदे होते हैं, उस फायदे को आप देख लो और उसके बाद दो, तो हम आपको उस फायदे को समझा देना चाहता हूँ। मैं अपने वॉल में रोज नाइट, बॉम्बिन गोब्लिन, ट्रैकर और ब्लैक प्रो को रखता हूँ। ये जो है रोज नाइट और बॉम्बिन गोब्लिन आपका जो ट्रूप्स का अटैक है उसको बढ़ा देता है। अगर गोल्डन हो गया रोज नाइट और बॉम्बिन गोब्लिन तो आपको 40% आर्मी अटैक बूस्ट मिलेगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री पूरी जिंदगी के लिए। और ब्लैक प्रो, ट्रैकर और बॉम्बिन गोब्लिन मिलके आपके स्किल स्नाइपर्स का पावर बढ़ाएगा, या कोई भी रैंक यूनिट आपके पास हो उसका पावर बढ़ाएगा। तो आज से और अभी से इन उल्लुओं का जितना हो सके बजाओ भाई, बिना शादी के बैंड बजाओ इनके, सिर्फ शादी में ही बैंड बजता है क्या? वाल की मत सोचो, पूरा का पूरा ट्रूप छोड़ दो, सिर्फ एक बार डिफेंड करो। आप लोग देख लो भाई, इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 15 इन्फर्मरीज है भाई, इनको अभी भी और भी अपग्रेड करना है मुझे। इसको अगर मैं और अपग्रेड कर लूँ तो इनको तो मैं नानी याद दिला दूँगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस मेरा कुछ काम आएगा नहीं, लेकिन कुछ उल्लुओं के ट्रूप्स मारने में जो मज़ा है और दूसरे चीज़ में वो मज़ा नहीं है। ये मेरा थर्ड आईडी है, इसलिए इतना हाईली अपग्रेडेड नहीं है, फिर भी इसमें ट्रेजर ट्रूप जो कि जेम्स के लिए ज़रूरी है उसको मैंने लेवल 8 तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बाकी सब भी अपग्रेड कर लूँगा। तो कोलोजियम रैंक है मेरा 5-1। कोलोजियम में उतना लड़ता नहीं हूँ, चलो एक बार लाइव टेस्ट कर लिया जाए, जो कि मेरा कोलोजियम का वॉरियर्स है, सेम मेरा जो डिफेंडर्स है उसी से अटैक कर रहा हूँ भाई, ये लाइव अटैक है। देखता हूँ विदाउट डेथ नाइट ये लोग मेरे ओपोनेंट का बैंड बजा पाता है कि नहीं। मुझे तो चाइल्ड ऑफ लाइट की जगह डेथ नाइट ही पसंद है, लेकिन फिर भी चांस ले रहा हूँ। दुआ करो कि इसका वाट लगा रहा। देखो डिमोन स्लेयर का वाट लग गया मतलब बाकी सब मरेगा ही मरेगा। डेथ नाइट को यूज़ करो तो पूरा 3-स्टार आता है, लेकिन मेरे पास डेथ नाइट उतना पावरफुल है नहीं, इसीलिए मैं अभी चाइल्ड ऑफ लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ। चाइल्ड ऑफ लाइट स्ट्रॉन्ग है, बहुत मार खा सकता है ये। बेचारे को मैं मार खिला रहा हूँ, सॉरी हाँ बेचारे को मार खिला रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को सेव तो करेगा। देखिए अभी हमारा जो डेथ नाइट है वो अभी पर्पल हुआ नहीं है, इसलिए मैं डेथ नाइट को दे नहीं सकता। तो ये हो गया कोलोजियम का। कोलोजियम में डेथ नाइट, रोज नाइट, प्राइमाडोना, डेथ आर्चर और ब्लैक प्रो सबसे बेस्ट होता है, जो कि मेरा लीडर वाला आईडी में है। जब भी डिफेंड करो रोज नाइट और बॉम्बिन गोब्लिन को वॉल में रखो ही रखो, और साथ में जो आपको अच्छा लगे वो लीडर को वॉल में रखो, और डिफेंड के वक्त
पूरा ट्रूप छोड़ो, एक बार डिफेंड करो और प्लेयर एक्सपीरियंस बूस्ट के साथ करो, 25% प्लेयर एक्सपीरियंस बूस्ट कर दो आप, और जितना बार आप डिफेंड करोगे आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर एक्सपीरियंस मिलेगा और आप बहुत जल्द लेवल 60 प्लेयर बन जाओगे, बहुत आसान है।